हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और टाइम हो चुका है सुबह के 7:30 हो रहे हैं, मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार है। सुना हेलो गुड मॉर्निंग और रिचा भी यहीं पर गुड मॉर्निंग। और नाश्ता बाहर मौसम कैसा है आज? बाहर मौसम बहुत ठंडा है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। मौसम पूरा बारिश वाला हो चुका है, मुझे लग रहा है शायद आज बारिश आने के चांसेस हैं काफ़ी। तो चलिए मिलते हैं अभी इसको, मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ। उसको मैं स्कूल छोड़ के आ चुका हूँ टीचर को, और इसकी मम्मी यहाँ सफाई गर्म लगी हुई है, इसको जब देखो सफाई सफाई करती रहती है। और बाहर बारिश हो चुकी है, जैसे मैं आपको कहा था कि मौसम ख़राब है, मुझे लग रहा था कि अच्छा मुझे लग रहा था कि आज बारिश आएगी, बारिश हो गई। बारिश हो गई, हल्की हल्की बारिश हो गई। अच्छा आज तनिषा अपनी जैकेट भी पहन के नहीं गई थी स्कूल की, और मौसम जो ठंडा है आज। चाय ला लो, फीकी फीकी। आज भैया नहीं जाना है मेरा ब्लड टेस्ट के लिए, आज शुगर का टेस्ट है ना मेरा डायबिटीज का, तो भैया भी आएंगे करीब 8:30 बजे, भैया नहीं जाना है। अभी टाइम हो रहा है 7:40, तो मेरी चाय आ चुकी है। चलो चाय पीता हूँ रिचा, अभी नाश्ते में क्या बनाओगे? खिचड़ी बोल रहे पूछो ना, फिर प्लेन बनना आज, मटर वटर मटर ना बिना प्याज टमाटर मटर रहेगी प्लेन, तो नाश्ते में आज हमारे घर बनेगी खिचड़ी। खांसी हो गई है यार, रात को खाना है बहुत इतना हैवी हो गया, पेट में दर्द हो गया मेरे काफ़ी तेज, पता नहीं। और रात को ना मैं खाना खाते हुए तो लेट तो नहीं हुआ, लेकिन ना पता ही वैसी फ्रेंड आई थी, बाहर का खाना मैं बहुत कम पसंद करता हूँ, तो कल बाहर से लेकर आना पड़ा। अपने एक जल्दी बाहर ले आते, वो मेरे को लगता है क्योंकि या तो सूट नहीं किया क्या है, पेट में दर्द हो जाता है उस वजह से। तो भैया अभी आ चुके हैं लैब से, और देते हैं इनको ब्लड सैंपल। ठीक है, 122 गुड फ्राइडे परसों सैटर सैटरडे फिर संडे, आपको तो मौज आ गई फिर। तो लैब वाले भैया जस्ट अभी मेरा सैंपल लेके गए हैं, और अब देखते हैं उसकी क्या आती है रिपोर्ट, ये तो शायद शाम तक ही पता चले। और बाकी मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेरी शुगर बढ़ी हुई है। रिचा भी गई हुई है नहाने, अब मैंने भी जाना है नहाने। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है। सुबह बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी हुई थी, फिर इसके बाद अब मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। बाकी अब करेंगे अब नाश्ता, नाश्ते मैंने बनवाई है खिचड़ी। और तो दोस्तों मैं नहा के आ चुका हूँ, पूजा कर ली है मैंने, और अब हमारी खिचड़ी का समोसा बनने वाला है। डॉली दीदी आ गई यहाँ पर काम करने, रिचा डालू मैं खिचड़ी डालू मेरी खिचड़ी, ये तवे पे रखा हुआ है, तवे पर रोटी बना ली। अच्छा तो वही रिचा तो वही कल की सब्जी है जो बची रात की बची हुई थी वही खाएगी, तो ये हमारी बन रही है चाय। रिचा डालू मेरी खिचड़ी भूल रही है बहुत अच्छी। दोस्तों अभी हमारा नाश्ता हो चुका है, रिचा ने नाश्ता कर लिया है, डॉली जी बस अभी कर ही रही हैं, और अभी मेरी चाय आ चुकी है। अब नाश्ते के बाद अब पीते हैं चाय, फिर आपसे मिलते थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं तनिषा को स्कूल लेने के लिए, देखते हैं अभी इसको स्कूल से पिक करते हैं। स्कूल बस पहुंचने ही वाले बच्चे, कुछ बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और बच्चे आ ही रहे हैं, तो तनिषा को हम लेके आ चुके हैं। तनिषा भी हमारे साथ ही है, चुस्की खा रही है, जब ये चुस्की खा रही है पार्क हमारा, ये बड़ा अच्छा है व्यू पार्क के बीच में से, है तुम पार्क के बीच में अच्छा व्यू नहीं है? व्यू नहीं अच्छा लेकिन जगह सही है, व्यू नहीं अच्छा लेकिन जगह सही। तो दोस्तों तनिषा आ चुकी है घर, और अब हम खाना खा रहे हैं, और घर में आज बने हैं सांभर और चावल, हम सबका बहुत फेवरेट है सांभर चावल बहुत। तनिषा यहाँ लेटी है, मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है,
और ये रहा हमारा काम बचा। खा ले बेटा, बेटा खाना खा ले। रिचा इसका इसका डाल दे, खाना डालो। डाल दे। ओ हेलो, कपड़े से कर लेना हैं, कपड़े से कर लेना। हाँ कर ले बेटा, कर ले जल्दी कर ले। हाँ भी खाना खा लो फटाफट से। अब तो छुट्टियाँ होंगी 3 दिन की हैं। आज क्या है? नहीं आज आज क्या है रिचा? आज थर्सडे ना। अच्छा कल फ्राइडे सैटरडे संडे। वाओ 3 दिन छुट्टी, मजे थे। तो छुट्टी है हैं? छुट्टी क्यों है? छुट्टी क्यों है? एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करो। मैं कौन सा एंजॉय करती हूं? वो स्कूल में जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, एंजॉय करना चाहिए। मार्केट बड़ा भी चलते, मैं भी चलता हूं मार्केट। ठीक है अभी चलते थोड़ी देर में। मैं इतने में जब तक अपनी चाय पी लेता हूं। तो अभी हम आए हैं यहां तिलक नगर घूमने, थोड़ा सा कुछ काम था, उसी काम पर आना हम लोग। देखते हैं अभी तिलक नगर में क्या लेते हैं। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, रिक्शा चल रही है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं घर, और एक्चुअली हमको थोड़ा सा तिलक नगर घूम भी लिए, और मुझे थोड़ा घर के लिए प्लायर वगैरह चाहिए था, दिखाने चाहिए। प्लायर चाहिए था घर के लिए, बस ये दो ही आइटम थे मेरे, प्लायर और वायर कटर। तो अब बच चुकी है 8। तो दोस्तों मैं एक्चुअली में गया था बाहर, तिलक में घुमाया, फिर उसके बाद गया था बाहर। अब टाइम हो गया है रात के 9:15, और खाना हमने खा लिया है, और अब रिचा डाल रही है मेरे लिए कुछ शेक डाल रही है कुछ। तूने बेटा खाना खा लिया? Yes. खाना खा लिया था? ये ब्लर क्यों होता है बेटा? बाबा कैमरा बहुत ब्लर हो रहा है, पता नहीं कैमरा इतना ज़्यादा ब्लर हो रहा है, मेरे को समझ आता कि क्या करूँ मैं इसका। ठीक है चलो, और तो अब देखते हैं रिचार्ज कर दिए क्या। मैंगो शेक बनाया पापा का है? अच्छा ये है पापा का मैंगो शेक। पापा जी मैंगो देख लो, ये क्या भाई? पापा को सीरियल में मेरे को फीका निकाल दिया था। अच्छा ये पहचान है मेरी फीके की। तो देखो दोस्तों मेरा आया है फीका, और पापा का था मीठा, मुझे डायबिटीज है। इधर से रिशा का मन था, उसने कहा था कि मम्मी मैंगो शेक बना दो खाना खाने के बाद, तो मैंने इसका मैंगो शेक बनाया, ये पहले खाना खा चुकी थी। अच्छा सुनो देख पापा, ये भी मैं ये मैंगो शेक बना दो, फिर मैं मैंगो शेक बनाकर आपको दे दी। ये वायर कटर लेके आऊं? निशा ने तो पी लिया ना। मैं पहले ना हमेशा वायर ब्लेड से काटा, तो मेरे एक बार ना उंगली भी कट गई थी उससे, तो उसी लिए मैंने वायर कटर लिया है, और साथ में एक नोज प्लायर लिया है। कुछ चीज़ ऐसी जैसे मंदिर की घंटी है, उसकी अंदर का ना हुक टूट गया है, अब वो बड़े प्लायर अंदर घुसता ही नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे एक छोटा नोज प्लायर की जरूरत थी। हाँ बेटा श्योर हूँ अब ये देखने के लिए अब दस दुकान घूमे हो गए, दस दुकान श्योर इस बात के लिए पक्का सुना बेटा, क्योंकि बेटा बहुत दस दुकान घूमते घूमते हो आप। हाँ पक्का। अब बड़े पता क्या तुम मेरी यात्रा किया, लेने के बाद भी मैं 3 दुकान और गया था कि मैंने महंगा टून ले लिया कहीं, मम्मी कह रही है ले लिया, अब क्यों परेशान कर रहे हो? बेटा मुझे पता है बेटा, तेरे को पता मेरी आदत है, मेरी आदत है अगर मुझे कुछ भी लेना होगा ना, चाहे छोटी चीज भी होगी, तो मैं पहले पूरी मार्केट में रेट कंपेयर कर लेता हूँ। छह महीने हो गए हैं, इतने जोर की हिल रहा, उठने को राजी नहीं है, तो दिखा दे डॉक्टर को। मैं कुछ ज्यादा ठंडा तो नहीं है, कुछ खाते भी डॉक्टर तो तोड़ेगा नहीं, इसका खुद ही टूटेगा अपने आप, मैं कुछ खाते भी इस साइड से ही हूं, इस साइड से खाते ना आप, तो वो ऐसे हो गया। तो यहां पर है ना वो है डेंटिस्ट, ऐसे करते हैं दांत वाले के पास चले तो दांत ही निकलवा लेते इससे सारे। नहीं यहां पास में डेंटिस्ट है, यहां पर अच्छा जो ना डेंटिस्ट का क्लिनिक है, उसको एक बार दिखा दे। ये ना जो दांत वो टूटा नहीं, दूसरा तोड़ दिया उसने। नहीं बेटा ऐसा डॉक्टर है, वो डॉक्टर है ऐसा ना, उनका ये काम तो ना है, कोई वो मिस्त्री हो ना है कि भी एक काम किया तो दूसरा बेकार चला गया, ताकि दोबारा बुलाना है उन्होंने, वो बेटा डॉक्टर है, उनकी इमेज होती है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता बेटा। चलो तो खाना खा लिया बेटा? हाँ। मैं तो एक्चुअली गया हुआ था पापा के साथ बाहर, एक्चुअली मकान में मुझे PVC शीट लगवानी थी, तो वही PVC शीट का पता करने के लिए बस मैं वहाँ पर अभी दुकान पर गया था, तिलक नगर के पास ही है। चलो खैर खाना हो गया मेरा, उस वक्त मैं मिलूँगा कल के ब्लॉग में।
अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे पता है कि अभी मेरे पास एक्चुअली मैं अभी न्यू ब्लॉगर हूँ तो ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलते हैं मुझे, वो जो नेचुरली जो मुझे दिखता है मैं वही करता हूँ और इतना खुल के अभी बोल नहीं पा रहा। शायद हो सकता है मैं धीरे धीरे खुल के बोल सकूँ आपके सामने। जैसे अब आप देखते हैं सौरभ जोशी जब शुरू में आया था तो बेचारा बिल्कुल डरा हुआ जाता था, हमसे मुझे भी ज़्यादा डरा हुआ था वो तो। और लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे आकर के उसमें अब इतनी हिम्मत है कि आज वो नंबर वन ब्लॉगर है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह बस खाली मुझे प्यार दे, सपोर्ट करें और प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत जरूरी मेरे लिए। और इसको मेरी वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ व्यूज़ को लाइक करिए और प्लीज़ इसको थोड़ा फ्रेंड के शेयर करिए और इसको वायरल करिए प्लीज़ प्लीज़। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।